वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन सुशासन में सू का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मजाक में नहीं कह रही बल्कि सच्चाई बोल रही हूँ। यूपी के हमीरपुर के महिला जिला अस्पताल सभी मानकों को लांघते हुए सरकार के सुशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में अस्पताल बिचौलियों का अड्डा बन गया है। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट पैथोलॉजी के लोग काम कर रहे हैं, जहां डॉक्टर सरकारी सुविधाओं के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लग गए हैं। वहीं महिला अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओपीडी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुमन गुप्ता गर्भवती महिलाओं का बाहरी व्यक्ति से रक्त परीक्षण करवाते देखी जा रही है। अब ये बताओ, डॉक्टर का शेयर होना चाहिए कि आशा बहुओं का होना चाहिए, हम तुमसे पूछ रहे हैं। साहब आप ये बताइए, सरकार हमको कितना पैसा देती है? नहीं, इसका मतलब तुम सरकारी में करवाओगी? सरकारी में फिर करवाओ। नहीं, हम सरकारी में करवा फिर सरकारी में करवाओ, फिर प्राइवेट में क्यों ले जा रही हो? या हम लोग फिर तुम हमारी जगह तुम ओपीडी करो? नहीं साहब, आप हमारी इसमें कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा, उसमें दोनों हो जाएगा। लेकिन आप पूरा पूरा शेयर लेके जा रहे हैं, ये तो गलत है। हम 2006 से काम कर रहे हैं, आज दिन तक किसी डॉक्टर ने, अभी हम डॉक्टर अंगिला से बात कर ले रहे हैं मैडम से, कि वो आज तुम्हारा नाम क्या है? मेरा रेखा नाम। बस हम बात कर ले रहे, कोई ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा हक मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। देखिए, मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं था, आपने बताया, लेकिन मैं इसकी जाँच करूंगी कि ऐसा हो रहा है तो गलत है। अस्पताल प्रशासन बिचौलियों के जरिए गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट पैथोलॉजी में बेचकर मोटा पैसा वसूला जाता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर सुमन बोल रही हैं कि डॉक्टर मैं हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। वैसे तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में हमीरपुर अस्पताल प्रशासन बृजेश पाठक के सपनों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएमओ दीपक मणि नायक के आरोपों के ये बाद सिद्ध हो गया कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स और बिचौलियों के साथ मिलकर इलाज कराने आए मरीजों को आवास में ले जाकर मोटी रकम वसूली जाती है, और अस्पताल में आए इलाज करवाने वाले तीमारदारों को सरकारी अस्पताल से जांच न लेकर प्राइवेट जांच करने की सलाह दी जाती है। जो डॉक्टर द्वारा रखे गए प्राइवेट बिचौलियों से काम करते हैं और अपनी सेटिंग की हुई लैब में ले जाकर उनकी जाँच करते हैं, जिससे जांच के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाती है, जो कि बिचौलियों और डॉक्टर के बीच आपस में बांट ली जाती है। आइए हम सुनते हैं डिप्टी सीएमओ दीपक मणि नायक को। यहाँ आसपास जो भी डॉक्टर्स हैं वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तो मरीज बैठी हुए हैं, ओपीडी ऐसे ही खत्म होती है, यहाँ पर भीड़ लग जाती है, बिचौली आते हैं, उनकी पर्जियन तो सर यहाँ गुटखा थूकना, गंदगी फैलाना, ये सब चीज़ें करते हैं। ये मरीज वहाँ भी देखे जा सकते हैं अस्पताल में, नियम या वार्ड से रूप जिला अस्पताल में ओपीडी में मरीज देखें, वहीं पर पूरा देखेंगे। लेकिन इनका क्या है कि अपना निजी कर्मचारी रखे हुए हैं, दलाल रखे हुए हैं, कि वहाँ ना देख के यहाँ बुलाएंगे, यहाँ लेके आए, मजबूर करके लाएंगे। अब गरीब आदमी है, अब वो यहाँ फीस दे, बाहर की जाँचें कराए, फिर वो पैसे से अपना दवाइयाँ खरीदे, वो परेशान हो रहा, हम भी परेशान होते। अब यहाँ भीड़ में ना हमारे बच्चे बाहर निकल पाएँ, ना हम स्वयं बाहर निकल पाएँ, यहाँ गुटके के रैपर फूकेंगे, गुटका थूकेंगे, इससे परेशान हो कि फिर हमें शिकायत करनी पड़ी। किसको शिकायत की आपने, क्या हुआ उसमें? मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरुष, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला, दोनों को मैंने लिख के दिया कि ये वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बंद कराइए। जो भी मरीज देखें जिला अस्पताल में ही देखें, आवास में ना देखें। क्या आश्वासन मिला आप? नहीं, अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। मैंने चिट्ठियाँ जो है वहाँ पर दे दी ऑफिस में, और मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने ये कंप्लेंट IGRS पे भी डाली। हमीरपुर में कम से कम नहीं तो आज चार पाँच साल से लगातार ना तो कोई डॉक्टर है कैदे का, एक आध डॉक्टर को छोड़ दो अगर तो कोई डॉक्टर नहीं है, बाकी सब जो है जबरदस्ती की जांचें हो रही हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं, उस पर कोई है नहीं। डॉक्टर इल्ज़ाम लगा रहा है कि लोग प्राइवेट देख रहे हैं, अस्पताल में देख रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। महिला में इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ कि पैसे के लेके कि आप लाइए, हम पैसा देंगे, आपका हिस्सा कम नहीं होगा, आपका हिस्सा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी में। लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो तो बताओ, बताने की बात है, वीडियो वायरल हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैदे से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सफ़ेद हाथी होके रह गया है, ना तो कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, ना कोई इलाज चल रहा है। हमारे पास डॉक्टरों की कमी, आज तक कोई डॉक्टर नहीं लेके आ रहा है, मशीन रखी हुई है अल्ट्रासाउंड की, कोई चलाने वाला नहीं है। अरे कोई नहीं है तो प्राइवेट लगाओ, दोनों में नहीं है, सब बाहर जाते हैं,
तो गरीब किस लिए जाता है सरकारी अस्पताल में? सिर्फ एक रुपए का पर्चा इसलिए बनाता कि उसके पास 200 रुपए 300 रुपए दिखाने के लिए नहीं है। फिर अगर ये डॉक्टर प्राइवेट देखेंगे तो सब लोग, तो फिर प्राइवेट में और सरकारी में फर्क ही क्या रहा? हमीरपुर जिले में मची लूट कब तक रुकेगी और जिला प्रशासन कब तक प्रशासन जागेगा, ये भगवान ही जाने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का गड़बड़ झाला कब तक चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।